वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सर्चिंग एंड हैशिंग एंड दिस इज अवर सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सर्चिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर। तो सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी स्टोर्ड है उनमें से किसी को ढूंढ के निकालना कि ये इसमें अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड एलिमेंट है, तो सर्चिंग का रिजल्ट या तो सर्च एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, यानी सर्च इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। जब वो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यानी एरे, लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू में मिलता है तो उसे सर्च हमारा सक्सेसफुल कहलाता है, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड यानी सर्च अनसक्सेसफुल तो नहीं कहा जा सकता। यानी अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो एलिमेंट सर्चिंग प्रोसेस विल नॉट फाइंड इट। तो सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर और रैंडमली। तो एलिमेंट किसी ऑर्डर में स्टोर्ड किए गए हैं या रैंडमली स्टोर किए गए हैं, उनमें से किसी एलिमेंट को सर्च करके निकालना यदि वे इसके अंदर स्टोर्ड है तो। तो सर्चिंग इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। बेसिकली सर्चिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्चिंग इज द बेसिक एंड सिंपल मेथड ऑफ सर्चिंग। लेस टाइम इज टेकन बाय बाइनरी सर्च टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो बाइनरी सर्च मेथड इज मोर इफिशियंट देन लीनियर सर्च। The only drawback between the two searches is that when there is no prerequisite for the linear search. देखिए, linear searching को हम दो category में divide कर सकते हैं, एक linear search होती है, binary search होती है। Linear search के अंदर time ज़्यादा लगता है, binary search के अंदर time कम लगता है। ऐसा क्यों है ये हम अभी आगे देखते हैं। तो पहले बात करते हैं linear search की। Linear search time consuming process है और binary search थोड़ा fast है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी एल्गोरिथम को इफिशियंट तभी कहा जाता है जब वो मेमोरी भी कम ले और उसका मेमोरी स्पेस भी कम हो और उसका रनिंग टाइम भी कम आए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लीनियर सर्च की, क्योंकि बाइनरी सर्च इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि बाइनरी सर्च का जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर सर्च से जस्ट हाफ है। ऐसा क्यों है ये भी हम अभी समझ लेंगे। तो इन लीनियर सर्च वी एक्सेस ईच एलिमेंट वन बाय वन सीक्वेंशियली एंड सी वेदर इट इज डिजायर्ड और नॉट। इस सर्च विल बी सक्सेसफुल इफ ऑल द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड एंड द डिजायर्ड एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, इफिशियंसी कैसे चेक की जाएगी? द इफिशियंसी द टाइम टेकन और द नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड इन सर्चिंग डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ टेक्निक। ये आपके सामने एक एरे बना हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये यहां पर एलिमेंट्स हमने रैंडमली स्टोर कर रखे हैं। अब मान लीजिए हमें एलिमेंट सर्च करना है, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट सर्च करना है 6। तो सबसे पहले एल्गोरिथम 0th इंडेक्स में पड़े हुए एलिमेंट से मैच करेगी, फिर आगे बढ़ेगी 1 से मैच करेगी, नहीं मिलेगा फिर 3 से मैच करेगी, फिर 4 से मैच करेगी, फिर 15 से मैच करेगी, फिर 16 से मैच करेगी, फिर 1 से मैच करेगी, फिर 20 से, फिर 25 से, फिर लास्ट में से जब 6 यहां पर मिलेगा, 6 से मैच करेगी तो यहां पर आपका एलिमेंट फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हमने यहां पर 6 एलिमेंट को फाइंड आउट, तो लीनियर सर्च ऐसे ही काम करती है। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, ये यहां पर एरे बना हुआ है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगी और हर डेटा स्ट्रक्चर से मैच करती जाएगी और जहां पर भी उसे एलिमेंट मिल जाएगा सर्च रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट केस हमारा होता है कि जब एलिमेंट पहली लोकेशन पे मिल जाए, मान लो 6 यहां पे ही मिल जाता तो काम जल्दी हो जाता, टाइम कम लगता। ठीक है, तो यहां पर एल्गोरिथम जल्दी से रिजल्ट फाइंड आउट कर लेती, तो ये हमारा बेस्ट केस तब होता जब हमें पहली लोकेशन पे ही एलिमेंट मिल जाता। और हमारा वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस को ही हमने चुना है जब हमारा एलिमेंट हमारा लास्ट लोकेशन पे मिला है। ठीक है, इस एरे का साइज है 10, हमें 6 फाइंड करना था तो हमें 10 कंपैरिजन करनी पड़ी। ठीक है, अब अगर मान लो एलिमेंट 10 को मुझे खोजना है और वो मुझे फर्स्ट पहले कंपैरिजन में ही मिल जाता है, तो ये मेरा बेस्ट केस होता, दिस इज बेस्ट केस। और आप जानते हो हम किसी भी एल्गोरिथम का
जो परफॉर्मेंस निकालते हैं वो तीन केसेस में निकालते हैं, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। और मान लो अगर हमें फोर फाइंड आउट करना है तो फोर ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, तो बेस्ट केस कौन सा हुआ, ये वाला, जब पहली लोकेशन पे उसे एलिमेंट मिला। वर्स्ट केस कैसा कौन सा हुआ, ये वाला। और एवरेज केस कौन सा हुआ, ये वाला, यानी यहां से लेकर के यहां तक बीच में कोई एलिमेंट अगर उसे मिल सर्च आउट करना है तो। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी एन, सिंपल एन। एन एलिमेंट्स अगर हमारे एरे किसी या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर है, ठीक है, तो ये एन टाइम लगाती है। बेस्ट केस में आप कह सकते हो मेगा एन, एवरेज केस में कह सकते हो आप थीटा एन, और वर्स्ट केस में आप कह सकते हो बिग ओ एन, क्योंकि ये वन बाई वन सर्च करती है एलिमेंट को, तो इट टेक्स मोर टाइम। ठीक है, अब इसको इसकी प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर, इसका प्रोग्राम है आगे लिखे, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग लीनियर सर्च। ये हमने यहां पर हेडर फाइल लगा दी, iostream.h, फिर conio.h, void main, ये प्रोग्राम आपको फाइल में भी लगाने हैं। ठीक है, int a10, a size, एक एरे ले लिया a size 10 साइज का, एक वेरिएबल ले लिया i लूप के लिए, एक आइटम जिसको हम सर्च करेंगे, एक लोकेशन वेरिएबल, इसको शुरू में हमने -1 इनिशियलाइज करा लिया है, फिर सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि एंटर द एलिमेंट। सबसे पहले आपको एलिमेंट इनपुट कराना पड़ेगा ना, जिसे आप सर्च करा रहे हैं, ये एलिमेंट आपको इनपुट कराना पड़ेगा पहले, पहले आपको एरे इनपुट कराना है, उसके अंदर एरे को फिल करना है, फिर आपको एलिमेंट इनपुट कराना है, तब सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो पहले आपने एलिमेंट्स को एरे के अंदर इनपुट कराया, सभी दस के दस एलिमेंट 0 से लेकर 9 तक आप इनपुट कराओगे, फिर यहाँ पर एंटर द आइटम, ये मैसेज दिया यहाँ पर, एंटर द आइटम टू बी सर्च, जिस आइटम को सर्च करना है, तो हमने वो आइटम यानी डेटा वैल्यू हमने डाली। अब यहाँ पर ये सर्चिंग प्रोसेस है, ये यहाँ पर सर्चिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये इसका लॉजिक है। तो हमने फिर दोबारा एक एरे चलाया 0 से लेकर 10 तक। अब इफ आइटम को हम देखो डबल इक्वल टू है, यहाँ पर आइटम को हम कंपेयर कर रहे हैं एआई के साथ, आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार 3 होगी, एक बार 4 होगी, एक बार 5 होगी, एक बार 6 होगी, एक बार 7 होगी, एक बार 8 होगी, एक बार 9 होगी। ठीक है, इस तरीके से बार बार आपका लूप चलता जाएगा और एरे से कंपेरिजन होता जाएगा। ठीक है, अब लोकेशन में देखिए, जैसे ही उसे अब देखिए, ये जब कंडीशन अगर आपकी 2 होगी तब तो ये इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा जो इफ के अंदर है, और अगर ये फॉल्स होगी तो वो डायरेक्टली यहां से जंप करके इस पे चला जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी अगर उसे आइटम मिलेगा तब तो वो लोकेशन के अंदर, लोकेशन एक वेरिएबल है जो लोकेशन को बताएगा, इससे सर्चिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस लोकेशन पे हमें एलिमेंट मिले, जैसे ये हमें 9th लोकेशन पे मिला, लोकेशन ये इंडेक्सिंग को प्रिंट करेगा, ये 10 हमें 0th लोकेशन पे मिला, 4 हमें 3rd लोकेशन पे मिला, तो लोकेशन को भी वो प्रिंट करके दे। तो इनिशियली हमने लोकेशन के अंदर -1 इनिशियलाइज कर दिया है, तो मान लीजिए यहां पर उसे 10 मिला, 6 मिला 9 लोकेशन पे, ठीक है, लूप चलता जाएगा और 9 लोकेशन पे जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो लोकेशन के अंदर आई डाल देगा, यानी लूप की वैल्यू वो डाल देगा और ब्रेक कर देगा यहां पर। ठीक है, और फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलते ही लोकेशन अगर 0 से बड़ी है तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट मैसेज प्रिंट होगा आइटम फाउंड, अगर लोकेशन 0 से बड़ी नहीं है, ठीक है, सॉरी जीरो लोकेशन अगर 0 से बड़ी है तो आइटम फाउंड मैसेज प्रिंट होगा और आइटम वो जो डेटा वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी जिसको हम सर्च कर रहे थे, और उसकी पोजीशन जिस पोजीशन पे वो मिला है ये एलओसी पोजीशन वो प्रिंट कर दे हो जाएगी। अदरवाइज यानी लोकेशन की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी नहीं है, 0 से बड़ी कब होगी, जब सर्च होगा, अदरवाइज 0 से बड़ी छोटी कैसे होगी, -1 होगी। यही मैं यहां पर समझने की जरूरत है कि ये इफ जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी लोकेशन के अंदर आपने -1 इनिशियलाइज कर रखा है, लोकेशन की वैल्यू तभी अपडेट होगी जब आपका ये आइटम यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी, यानी आपका आइटम उस फाइंड आउट होगा एरे के अंदर। ठीक है, जब आपका आइटम एरे के अंदर फाइंड आउट होगा तभी लोकेशन की वैल्यू अपडेट रहेगी, अदरवाइज लोकेशन की वैल्यू -1 ही रहेगी। तभी यहाँ पर हमने कंडीशन लगा रखी है कि लोकेशन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, यानी आइटम मिल गया है, तो आइटम फाउंड प्रिंट कर दे और आइटम को प्रिंट कर दे, और उसकी पोजीशन इज लोकेशन, एलओसी लोकेशन को प्रिंट कर दे, लोकेशन इज वेरिएबल, और एल्स लोकेशन की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी नहीं है, 0 से बड़ी नहीं है तो कितनी है, -1 है, यानी
ये लूप जो है इसके अंदर आया ही नहीं है, कंपाइलर इसके अंदर, कंट्रोल इसके अंदर आया ही नहीं है, कंपाइलर ने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करे, तो यानी उसे एलिमेंट मिला ही नहीं, वो डायरेक्टली यहां पर आ गया। तो यानी जब कंडीशन ट्रू होगी तो इनको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं कर नहीं मिलेगी यानी आइटम फाउंड नहीं होगा तो वो डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा, यानी तब लोकेशन के अगर एलिमेंट मिलेगा तो लोकेशन के अंदर उसकी लोकेशन आ जाएगी, और अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा मिला तो लोकेशन के अंदर माइनस वन ही रहेगा। तो तभी यहां पर लोकेशन की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो आइटम प्रिंट कर दो, उसकी पोजिशन को प्रिंट कर दो, अदरवाइज आइटम डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट कर दे। तो ये हमारा प्रिंट था, प्रोग्राम था लिनियर सर्च का। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। देखिए बाइनरी सर्च इज मोर इफिशियंट देन लिनियर सर्च। बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा इफिशियंट है लिनियर सर्च से। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टाइम जस्ट हाफ लगता है। कैसे? देखिए द बाइनरी सर्च इज एन एक्सट्रीमली इफिशियंट एल्गोरिथम। This search technique searches the given item in minimum possible comparisons. ये सबसे कम searching में कम से कम comparisons करती है। कैसे? देखिए हमें time घटाना था तो हम comparisons को कम कर देते हैं। कैसे? To the binary search, first we have to sort the element array. सबसे पहले array को इसके अंदर, इस binary search के अंदर जो elements होते हैं उनको search sort किया जाता है, यानी arrange किया जाता है binary searching के अंदर, शॉर्ट करके यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा जाता है। यानी बारी सर्चिंग के अप्लाई होने से पहले शॉर्टिंग अप्लाई होती है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अब उसके बाद ठीक है, फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी सर्चिंग को अप्लाई करने से पहले हम क्या लगाते हैं? शॉर्टिंग, ताकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, देखिए मान लो मैं आपसे कहूँ कि कोई आपको रेंडमली कोई पेपर निकाल करके आपको कह दूं कि रेंडमली इस कोई स्टैक आपके सामने पकड़ा दूं बुक्स का, और आपसे कहूँ कि पर्टिकुलर एक बुक को खोज के निकालिए। आपके सामने बुक का एक ढेर है और आपको उस ढेर में से कोई स्टैक में से एक बुक खोज के निकालनी है, सर्च करके निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? आप रेंडमली एक बुक को चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर? और अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने इसको अरेंज कर दिया है बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ऑर्डर में, तब आपको सर्च करके निकालनी है, तो आपका टाइम जो है वो घट जाएगा। तो ऐसे ही बाइनरी सर्च क्या करता है वो, तो पहले उसको आपने आपको टाइम को घटाने के लिए आप क्या आप आपको क्या करना, यहाँ पर बाइनरी सर्च में क्या करना पड़ता है? पहले एलिमेंट्स को हम शॉर्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लीनियर सर्च में हमारे एलिमेंट रैंडम ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट शॉर्ट नहीं होंगे तो ये बाइनरी सर्च वहां पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो बाइनरी सर्च के लिए पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ती है। तो उसके बाद फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे का मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं मिडिल एलिमेंट से। पहले मिडिल एलिमेंट को फाइंड करते हैं, फिर कंपेयर मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अब अगर वो मिडिल एलिमेंट पे से कंपेयर होता है तो उसके तीन केस निकलते हैं। पहला, यदि आप जिस इफ द डिजायर एलिमेंट देन सर्च इज सक्सेसफुल, यानी मिडिल एलिमेंट पे ही वो एलिमेंट है, एलिमेंट ही वो एलिमेंट है जिसको आप सर्च कर रहे हैं, तो यही तो आपका सर्च सक्सेसफुल हो गया, तो ये आपका इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस कहलाता है, यानी मिडिल एलिमेंट पे ही आपको एलिमेंट मिल जाए। उसके बाद अगर वो एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो देन सर्च द राइट हाफ, ये राइट हाफ आगे की तरफ का कहलाता है, राइट हाफ ऑफ द एरे। और अगर ठीक है सॉरी इफ अगर वो उससे छोटा है, इफ इट इज लेस देन द डिजायर एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट खोजा जा रहा है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है, तो आपको उसको लेफ्ट हाफ सर्च करना पड़ेगा, केवल राइट हाफ सर्च ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर जो एलिमेंट डिजायर एलिमेंट उसको सर्च किया जा रहा है वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो दूसरा राइट सेकेंड राइट राइट हाफ सर्च, ये लेफ्ट हाफ सर्च होगा अगर छोटा है तो, और बड़ा है तो राइट हाफ सर्च होगा। अगर जो जिस एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं अगर वो मिडिल पे मिल जाता है तो सर्च सक्सेसफुल हो गया, और अगर वो मिडिल पे नहीं मिलता है तो लेफ्ट हाफ सर्च करेंगे, अगर वो छोटा है तो लेफ्ट हाफ सर्च करेंगे और बड़ा है तो राइट हाफ सर्च करेंगे। ठीक है, पहले मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, फिर मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, अगर मिडिल पे नहीं मिलता है तो देखेंगे कि मिडिल से बड़ा है या छोटा है, और अगर मिडिल से बड़ा है तो राइट हाफ सर्च करेंगे, और अगर मिडिल से छोटा है तो लेफ्ट हाफ सर्च करेंगे।
ठीक है, जिस आर एलिमेंट उस एलिमेंट को कह रहे हैं जिसको हम सर्च आउट कर रहे हैं। तो अगर वो एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो राइट हाफ सर्च करेंगे, और अगर छोटा है तो लेफ्ट हाफ सर्च करेंगे। तो फर्स्ट ये देखिए आपके सामने एरे है, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, दिस इज लास्ट वैल्यू, दिस इज मिडिल वैल्यू। तो पहले इंडेक्सिंग के लिए यहां से मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, मिडिल आ जाता है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं सारे। अगर मिडिल के अंदर 7, अगर ये 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 होगा तो 3.5 लेगा, 4 लेगा, 3 लेगा, सॉरी 3 लेगा। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं इंटीजर वेरिएबल डेसिमल पार्ट को नहीं उठाता है। ठीक है, इफ वी हैव एन एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ 7 एलिमेंट्स, फर्स्ट सॉर्ट द एलिमेंट्स एंड द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगेगी इस एरे पे और वो सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर देगी। तो मैं एग्जांपल के लिए पहले एल्गोरिथम ने सॉर्ट कर दिया इनको 9, 12, 24, 30, 36, 45, 40, 70 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बिगनिंग के अंदर आएगा आपका 0 एलिमेंट और लास्ट के अंदर आ जाएगा आपका 6, यानी पहला एलिमेंट। ये सब इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ ना कि एलिमेंट की। देखिए इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ कि जीरोथ इंडेक्स, इन्हीं को पोजीशन कहते हैं। तो बिगनिंग में आपका 0 और लास्ट में आपका 6, ठीक है, क्लियर। अब मिड कैलकुलेट, अब हम आइटम किसको सर्च कर रहे हैं, 45, ठीक है। तो मिडिल निकलेगा पहले इंट, ये इंटीजर होता है, देखिए इंटीजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो केवल इंटीजर पार्ट को उठा लेता है, डेसिमल पार्ट को नहीं उठाता अगर डेसिमल में आता नहीं है। तो बिगनिंग में 0, इंडेक्स की बात कर रहा हूं ना कि एलिमेंट की, 0 प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। देन इंटीजर, इंटीजर है ये, वैसे तो 3.5 आएगा लेकिन क्योंकि इंटीजर आपने लिया हुआ है, यहां पर इंटीजर वेरिएबल लिए हुए सारे, तो ये केवल यहां पर 3 को स्टोर करेंगे, 0.5 को स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप, ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 में एरे के मिडिल पे, ए ऑफ मिड, दैट इज ए ऑफ 3, यानी एरे की 3 लोकेशन पे पड़ा हुआ है 30। ठीक है, 30 पे कंपैरिजन होगा 45 का, हम 45 को सर्च कर रहे थे, तो 45 30 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, बिगनिंग के अंदर मिड प्लस 1 कर देंगे, बिगनिंग को 0 से हटा करके मिड प्लस 1 कर देंगे। तो बिगनिंग के अंदर जो इंडेक्स आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, मिड के अंदर इंडेक्स था 3, ठीक है, मिड के अंदर इंडेक्स था 3, तो बिगनिंग को हमने कर दिया मिड प्लस 1 क्योंकि हमारा जिस आइटम को हम खोज रहे हैं वो 30 से बड़ा है, सर्च कर रहे हैं वो 30 से बड़ा है। तो बिगनिंग के अंदर हमारा आ जाएगा 3 प्लस 1। तो हमने बिगनिंग के मिडिल के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू थी, मिडिल की जो इंडेक्स वैल्यू थी, वो हमने बिगनिंग के अंदर डाल दी, वो ने उसके अंदर बिगनिंग के अंदर हमने डाल दिया मिडिल की जो इंडेक्स वैल्यू थी उसको हमने कर दिया, हाँ सॉरी, बिगनिंग की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो थी पहले 0, उसको हमने कर दिया मिडिल प्लस 1, यानी मिडिल की थी इंडेक्स वैल्यू थी 3 प्लस 1 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 45 हमारा बड़ा है। अब देखिए बिगनिंग के अंदर आ गया 4 लेकिन लास्ट के अंदर वही है 6, ठीक है। अब फिर से मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंट बिगनिंग प्लस लास्ट बाय 2, बिगनिंग के अंदर 4, लास्ट के अंदर 6, 10 बाय 2, मिडिल के अंदर इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई 5। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये पार्ट आ गया 36 45 70, और इसे यहां पर अगेन ये सर्च करेगा ए मिड, दैट इज ए 5 इज 45, 45 इज इक्वल टू 45, देन सर्च इज सक्सेसफुल और उसकी लोकेशन आ गई 5। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 45 से छोटा होता तब क्या करते, तब यहां पर बिगिनिंग को शिफ्ट नहीं करते हम, तब हम लास्ट को शिफ्ट करते। तब हम यहां पे करते लास्ट के अंदर हम कर देते मिड माइनस 1, लास्ट को 6 से हटा करके, मान लीजिए छोटा होता एलिमेंट, मान लीजिए हम सर्च कर रहे हैं 12 को, तो एलिमेंट अगर छोटा है तो हमारा मिडिल पे मिला, मिडिल पे हमें मिला नहीं, तो हमारा 12 है, तो 12 इज 12 इज लेस देन 30, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लास्ट को 6 से हटा करके उसके अंदर कर देते हैं मिड माइनस 1, तो लास्ट के अंदर आ जाता 3 माइनस 1 2, ठीक है 2 आ जाता, तो फिर बिगनिंग हमारा 0 पे ही रहता, तो फिर से हमारी एल्गोरिथम चलती, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, मिड के अंदर क्या आता 1, उसे 1 पे 12 मिल जाता। यानी अगर एलिमेंट मिड से बड़ा होता है तो राइट हाफ सर्च होता है, और अगर छोटा होता है तो लेफ्ट हाफ सर्च होता है, और अगर मिड पे ही मिल जाता है तो ये ऑप्टिमल, ये पहले मिड से ही
अगर पहले मिड पे अगर मिड पे ही मिल जाता है तो सर्च इज सक्सेसफुल। पहले मिड से कंपैरिजन होता है, सबसे पहले मिड से होता है, और मिड से छोटा होता है तब आगे देखते हैं। मिड से छोटा होता है तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं, बड़ा होता है तो राइट की तरफ चलते हैं। तो पहले यहाँ पर मिडिल पोजिशन निकालते हैं, मिडिल पे मिल जाता है तो वेरी गुड, यानी इट इज द बेस्ट केस। और अगर नहीं मिला है तो छोटा है तो लेफ्ट की तरफ सर्च करो, और बड़ा है तो राइट की तरफ सर्च करो। तो कुल मिला के इसमें कंपेरिजन कम है, लीनियर सर्च से बहुत कम कंपेरिजन है इसके अंदर, काफी कम कंपेरिजन है यहाँ पर। देखिए अब इसका प्रोग्राम, अब देखिए यहाँ पर इसका प्रोग्राम, यहाँ पर राइट प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग बाइनरी सर्च। तो एलिमेंट्स को हम यहाँ पर सर्चिंग सॉर्टेड ऑर्डर में ही डालते हैं, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल है iostream.h, ये हमारा conio.h, दिस इज मेन। हमने एरे ले लिया 10 साइज का, आई फॉर लूप आइटम जिसको हम सर्च कर रहे हैं, सभी देखिए इंटीजर वेरिएबल है। मिडिल पोजिशन के लिए मिड, बिगिनिंग के लिए बिग, बैग, और ये लास्ट एलिमेंट के लिए लास्ट, और लोकेशन प्रिंट करने के लिए लॉक, और एक ये फ्लैग वेरिएबल एफ, इसको जीरो इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पर लोकेशन फ्लैग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट एरे को इंसर्ट कराएंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में ही डालें, ठीक है। ये हमने एरे यहाँ पर इनपुट करा लिया, अब यहाँ आइटम को इनपुट करा रहे हैं जिसको हम सर्च कर रहे हैं। फिर देखिए सबसे पहले लोकेशन को सेट कर दिया जीरो, बिगिनिंग को सेट कर दिया जीरो, लास्ट को सेट कर दिया 9। लोकेशन उस एलिमेंट की लोकेशन होगी जिसे हम सर्च कर रहे हैं, लोकेशन भी हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर बिगिनिंग सबसे पहले लूप चलेगा, ये इफ बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, यदि बिगिनिंग लास्ट से छोटा है, बिगिनिंग हमेशा लास्ट से छोटा ही होगा, ठीक है, बिगिनिंग हमेशा लास्ट से छोटा ही होगा, लास्ट कभी भी बिगिनिंग से बड़ा नहीं हो सकता है, जीरो से लास्ट जीरो से पीछे नहीं जा सकता है। तो यहां पर मिडिल तब तक हमारा हर व्हेन व्हाइल, जब तक हमारा व्हाइल लूप चलेगा, बिगिनिंग जब तक लास्ट से या तो छोटा है या बराबर है, ठीक है। अब देन मिडिल वैल्यू कैलकुलेट होगी, मिडिल इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस लास्ट बाय 2 इफ आइटम इज इक्वल टू ए मिड, यानी एरे की मिडिल पोजीशन पे अगर आइटम मिल जाता है तो तब फ्लैग वेरिएबल को जीरो से हटा करके 1 सेट कर देंगे, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे सर्च इज सक्सेसफुल और एरे की मिडिल पोजीशन पे आइटम मिल गया, और लोकेशन के अंदर वही इंडेक्स डाल देंगे जो मिडिल पे है, ठीक है। सी आउट पोजीशन को भी प्रिंट कर देंगे, लॉक प्लस वन कर लीजिए या लॉक कर लीजिए, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग, तो लॉक भी कर सकते हैं आप, लॉक प्लस वन कोई इशू नहीं है। एल्स इफ अगर वो मिडिल पे, देखिए वाइल के अंदर ही चल रहा है, एल्स इफ अगर वो मिडिल पे नहीं मिलता है, 3 केस होते हैं इसके अंदर, मिडिल पे मिल सकता है, ठीक है, अगर मिडिल पे नहीं मिलता है तो आइटम को कंपेयर करेंगे एरे के मिडिल एलिमेंट से। एल्स इफ आइटम इज लेस देन एरे ए ऑफ मिड, यानी आइटम छोटा है एरे के मिडिल पार्ट से, तो एरे के मिडिल पार्ट में, एरे के मिडिल पार्ट, अगर आइटम छोटा है एरे के मिडिल पार्ट में से, तो क्या कर देंगे, लास्ट जो है लास्ट को लास्ट के अंदर मिड माइनस 1 कर देंगे, डाल देंगे, जैसा कि मैंने बताया था जब हम 12 को सर्च करेंगे करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट के अंदर मिड माइनस 1 कर देंगे। और यदि आइटम बड़ा है एरे के मिडिल पार्ट में, जो एलिमेंट है उससे आइटम बड़ा है, देखिए ये एरे को बताता है, ये उसके मिडिल पार्ट यानी उसके इंडेक्स को बता रहा है, ठीक है, तो एरे के मिडिल पार्ट में जो एलिमेंट पड़ा है, आइटम जिसको आप सर्च कर रहे हैं उससे बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, जैसा अभी हमने 45 को सर्च करते समय किया था, बिगिनिंग के अंदर आप मिड प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है, क्लियर। तो 3 केस होंगे, यदि मिडिल पे मिलता है, मिडिल पे नहीं मिलता है तो आइटम को कंपेयर करेंगे एरे के मिडिल एलिमेंट से, ठीक है। इक्वल टू का मतलब है कि उसके बराबर है, कंपेरिजन है, ठीक है, और अगर मिडिल पे नहीं मिलता है तो आइटम उससे चेक करेंगे कि उससे छोटा है, छोटा होगा तो लास्ट के अंदर मिड माइनस 1 कर डाल देंगे, और फिर अगर छोटा चेक करेंगे या बड़ा चेक करेंगे, छोटा चेक होगा तो मिड माइनस 1 डाल दीजिए, बड़ा होगा तो बिगिनिंग को मिड प्लस 1 कर दीजिए। यानी अगर हम यहाँ पर 45 चेक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखिए 45 यहाँ से बड़ा है तो हमने 45 के अंदर मिड प्लस 1 कर दिया, बिगिनिंग को बढ़ा करके मिड प्लस 1 कर दिया,
और अगर हम यहाँ पर 12 सर्च कर रहे होते तो 12 30 से छोटा होता, तब हम लास्ट की जगह मिड माइनस वन कर देते, तो लास्ट में क्या आ जाता, लास्ट में मिड में अंदर 3 माइनस 1 2 आ जाता, तो फिर अगेन फिर से लूप चलता 0 + 2/2 1 पे हमें 12 मिल जाता। ठीक है आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन कम है, तो इसका वर्स्ट केस है जब एलिमेंट आपको मिडिल पोजीशन पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन है, लॉग एन एन से कम होता है, एन की वैल्यू अगर 1 रखी तो लॉग एन की वैल्यू अगर मैं लॉग एन की जगह अगर मैं 1 रखूं तो लॉग बेस 2n निकल रहे हैं तो 1 की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी इज स्मॉलर देन एन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बिग ओ एन से वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉग एन होती है, और वहां पर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन होती है, हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को ही ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिथम्स की। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम खराब से खराब हम परफॉर्मेंस को शो करते हैं कि हमारी एल्गोरिथम खराब से खराब इतना टाइम ले सकती है, ज्यादा से ज्यादा हमारी एल्गोरिथम इतना टाइम ले सकती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादातर वर्स्ट केस ही शो की जाती है, वर्स्ट केस में ही रिप्रेजेंट कराते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं नोट्स आपको फिर से दिखा देता हूं, मैं नोट्स आपको भेज भी चुका हूं। थैंक यू।